Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Dr. Vinay, dentist cosmetologist and member of Asian Beauty Art Experts Association. In this video, I will review Mela Glow Rich Cream. ये काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट है फॉर रिड्यूसिंग डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन एंड अनइवन स्किन टोन. और रिसेंटली मुझे भी एक्ने की वजह से डार्क स्पॉट्स हो गए थे, एंड दिस टाइम आई ट्राइड दिस प्रोडक्ट टू नो हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रिकवर डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन. ऑल्सो इसके कोई साइड इफेक्ट्स है नहीं. अगर आप मेला ग्लो रिच क्रीम के बारे में जानना चाहते हैं, इसके यूजेस क्या है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स है या नहीं, एंड इसे वर्क करने में कितना टाइम लगता है, देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. सो द प्रोडक्ट हैज थ्री टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स. फर्स्ट इज स्किन लाइटनिंग एजेंट, दैट इज लिकोराइज एक्सट्रैक्ट एंड कोजिक एसिड. सेकेंड इज एंटी ऑक्सीडेंट्स लाइक आरबियोटीन, नियासिनमाइड, विटामिन सी एंड ई, सो एस फ्लेवोन्स एंड पेट्रोवाइट. ये मेलानिन प्रोडक्शन को कम करते हैं एंड पिगमेंटेशन को लाइट करने में हेल्प करते हैं. इसके अलावा इट हैज ग्लाइकोलिक एसिड 2% जो स्किन को एक्सफोलिएट करता है एंड पिगमेंटेशन को लाइट करने में हेल्प करता है. मेला ग्लो रिच क्रीम एक स्किन लाइटनिंग क्रीम है. अगेन, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बोला है, स्किन लाइटनिंग का मतलब ये नहीं कि आपकी स्किन का कलर ब्राउन टू व्हाइट हो जाएगा, बट यस, अगर आपकी स्किन टू शेड डार्क हो गई है ड्यू टू सन एक्सपोजर या आपकी स्किन में पिगमेंटेशन है, अनइवन स्किन टोन है, इन दैट केस यू कैन यूज मेला ग्लो रिच क्रीम. आप इसे माइल्ड टू मॉडरेट पिगमेंटेशन जैसे कि पोस्ट एक्ने स्पॉट्स, माइल्ड मेलाज्मा, पिगमेंटेशन अराउंड माउथ के लिए यूज कर सकते हैं. इसके अलावा आप इसे यूवी रेज से होने वाले डैमेजेस, सन टैन, पिगमेंटेशन एंड अनइवन स्किन टोन के लिए भी यूज कर सकते हैं. मेला ग्लो रिच क्रीम का डिसएडवांटेज ये है कि ये डीप पिगमेंटेशन के लिए उतना इफेक्टिव नहीं होता है एंड ये सेंसिटिव स्किन में इरिटेट कर सकती है. ऑल्सो ये ब्रेस्ट फीडिंग मदर एंड प्रेगनेंट वीमेन के लिए सेफ नहीं है. देर इज नो एक्सेप्ट साइड इफेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट एज लॉन्ग एज यू आर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशन वाइल यूजिंग द प्रोडक्ट. मैं इसे 15 डेज से यूज कर रही हूँ एंड सो फार आई हैव नॉट नोटिस एनी काइंड ऑफ स्किन रिएक्शन लाइक रेडनेस, बर्निंग एंड इरिटेशन. Apply sunscreen every day even if you are at home. Avoid using it during the daytime to avoid sun exposure and avoid other ingredients like retinol and vitamin C while using the product. If I talk about its effectiveness, then yes, it's really effective for mild to moderate pigmentation. As you can see in this picture, first image 12 days pehle ki hai and second image 12 days baad ki hai. Mera pigmentation almost kam ho gaya hai in just 12 days, kyunki mera jo pigmentation hai, wo new hai, utna deep nahi hai. तो अगर आपको माइल्ड पिगमेंटेशन है देन इट कैन टेक अराउंड 1 month टू रिकवर. अगर आपको माइल्ड टू मॉडरेट पिगमेंटेशन है देन इट कैन टेक अराउंड 3 to 6 months. इट डिपेंड्स हाउ डीप योर पिगमेंटेशन इज. एंड अगर आपको डीप पिगमेंटेशन है देन दिस प्रोडक्ट मे नॉट बी इफेक्टिव फॉर यू. यू मे रिक्वायर प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट और क्लिनिकल ट्रीटमेंट. तो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल टू यू. इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन सो यू नेवर मिस आउट एनी ऑफ माई वीडियोज. Thank you so much for watching.